तो यार दोस्तों, पिछले वीक एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्विजिशन हुई है। वैसे तो यार मैं इंटरेस्टिंग वर्ड काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, पर यार ये सही में इंटरेस्टिंग है। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि यार इसके बाद काफी ज्यादा उस फील्ड में कंपटीशन बढ़ने वाला है, फ्यूचर में काफी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी और काफी नई नई चीजें हो सकती हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या क्या हो सकता है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, वीडियो को आखिरी तक देखना। तो अभी मैंने कुछ हफ्तों पहले एक वीडियो बनाई थी कि रिलायंस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में घुसने वाला है, इससे अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। पर यार रिलायंस सिर्फ ई कॉमर्स में नहीं घुसेगा, रिलायंस अब काफी डिफरेंट चीजों में घुसने वाला है, फिनटेक। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि यार वो अपना एआई प्लेटफॉर्म बनाने वाला है, जिससे कि वो अमेजोन के एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और थोड़ा बहुत एप्पल के सिरी, वैसे तो एप्पल का सिरी थोड़ा डिफरेंट काम करता है पर थोड़ा बहुत उनके साथ भी कम्पीट करेगा। तो हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यार अभी रिलायंस का मेजर इनकम उनके पेट्रोलियम बिजनेस से आता है, पर यार धीरे धीरे अभी पेट्रोलियम का यूसेज आगे जाके कम होने वाला है, इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मुकेश अंबानी को बहुत अच्छे से पता है कि आगे जाके डेटा नया तेल बनने वाला है, तो इसीलिए उन्होंने जियो टेलीकॉम खोला। और जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया, जियो अलग ही लेवल पे ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ा बन चुका है इंडिया में और उनके काफ़ी ज़्यादा यूजर्स हैं। पर रिलायंस सिर्फ एक टेलीकॉम नेटवर्क ही नहीं खोलना चाहती, उसके बाद उन यूजर्स के मदद से वो बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों में एक्सपैंड करना चाहती है। अभी पिछले हफ्ते न्यूज़ आई है कि रिलायंस ने हैप्टिक को 200 करोड़ में खरीद लिया है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको समझने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि यार हैप्टिक एक्चुअली में करता क्या है। हैप्टिक की शुरुआत 2013 में हुई थी और करेंटली वो चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट ये सब बनाते हैं। तो आप बोलेंगे कि यार ये चैटबॉट्स इन सब का यूज़ क्या है। तो अगर आप अभी कोई भी वेबसाइट में जाते हो जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, वहाँ पर आप वेबसाइट के साइड में देखते हो कि यार एक चैट विथ मी का ऑप्शन आता है। तो कुछ सालों पहले जब भी आप वो चैट विथ मी का ऑप्शन खोलते थे और उसका चैट करना शुरू करते थे, आपको रिप्लाई देने के लिए उन्होंने एक इंसान हायर किया होता था, वो बंदा आपको रिप्लाई करता था। पर यार जैसे जैसे कंपनीज बड़ी होने लगती है, वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ता है, तो बहुत लोग आके अपना डाउट पूछते हैं। तो इसके लिए कंपनी को बहुत बड़ी टीम सेटअप करनी पड़ती है जिसका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यार एक बंदा एक बार में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेरीज ही हैंडल कर पाएगा, इधर चैटबॉट काम आता है। तो हैप्टिक क्या करता है, कंपनी के हिसाब से कस्टम मेड चैटबॉट्स बनाते हैं, जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से वो चैटबॉट बनाता है। फिर जब आप उनके साइट में जाके कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो वो चैटबॉट रिप्लाई करता है, ना कि कोई इंसान। तो कभी कभी जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है तब इंसान कोई रिप्लाई कर देता है, पर ओवरऑल चैटबॉट्स ही पूरा कन्वर्सेशन मैनेज करते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, वैसे ही अब ये चैटबॉट्स ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में आ चुके हैं। पहले जब आप कोई सर्विस यूज करते थे, एक फीडबैक फॉर्म आता था जो कि बहुत स्टैटिक होता था, मतलब यार फिक्स्ड क्वेश्चंस होते थे जो आपको आंसर करने पड़ते थे, पर यार आप चैटबॉट्स वो फीडबैक ले पाते हैं और आपके आंसर्स के हिसाब से उनके क्वेश्चंस बदलते रहते हैं कि अगर फीडबैक अच्छा है तो पूछेंगे क्यों अच्छा है, अगर बुरा है क्यों बुरा है, तो काफ़ी डायनामिक बन पाता है। तो ये मैंने दो एग्जांपल्स दिए, अब चैटबॉट काफ़ी ज़्यादा वाइटल हो गए, ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में चैटबॉट्स आने लग गए हैं। हैप्टिक यार दुनिया का सबसे बड़ा कन्वर्जेशनल एआई प्लेटफॉर्म है और रिलायंस को पता है कि यार जो चीज़ एक दूसरी कंपनी ने कर ली है, फालतू में वो फिर से खुद से क्यों वो चीज़ शुरू करे, उनको पूरा सेटअप करने में, हायर करने में, उस लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, पैसा खर्च होगा, क्यों ना हम उसी स्टार्टअप को खरीद लें जो बेस्ट है इस फील्ड में। तो हैप्टिक कई कंपनीज के साथ काम करता है, जैसे सैमसंग, HDFC, ओयो, KFC, जोमैटो, टाइम्स इंटरनेट, क्लियर ट्रिप, ऐसे बहुत सारे कंपनीज के साथ उनके हिसाब से वो चैटबॉट्स बनाता है। तो हैप्टिक का अपना एक पर्सनल असिस्टेंट है, उसमें आप कई चीज़ें कर सकते हो, जैसे बिल्स पे कर सकते हो, रिमाइंडर सेट कर सकते हो, मूवी टिकट्स, प्लेन टिकट्स ये सब बुक कर सकते हो, रिचार्ज करवा सकते हो, ये सारा काम कर सकते हो। और जैसा कि आपको पता है ये सारी चीज़ें आप गूगल असिस्टेंट के साथ भी कर सकते हो, एप्पल के सिरी के साथ भी कर सकते हो, जिन जिन ऐप के साथ वो इंटीग्रेटेड होते हैं। तो आप सोचेंगे टेलीकॉम कंपनी इन सारी चीज़ों में क्यों घुस रहा है। यार अगर आपको सक्सेसफुल बनना है या आपकी कंपनी को सक्सेसफुल होना है, आपको काफ़ी आगे का सोचना पड़ता है। जियो के ऊपर रिलायंस ने 2010 से काम करना शुरू कर दिया था और फाइनली जाके 2016 में लॉन्च किया, तो उन्होंने भी काफ़ी आगे सोचा। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि धीरे धीरे लोग वॉइस कमांड ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, जैसे जैसे अगले 2-3 साल 5 साल में वॉइस कमांड के सर्चेज और बढ़ने वाले हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं पर आगे जाके और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो तब आप ऑलमोस्ट सारा काम वॉइस कमांड से ही कर लोगे कि यार कोई मूवी टिकट बुक करानी होगी, कोई मेल करना होगा, किसी को मैसेज भेजना होगा, कॉल करना होगा, ये सब आप वॉइस असिस्टेंट की मदद से कर लोगे, अपना फ़ोन खोल के टाइप वाइप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यार वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। पर अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा ये सब वॉइस असिस्टेंट की तरफ जा रहे हैं,
तो रिलायंस को ये पता है कि यार अगर वो इस फील्ड में नहीं आए वो आगे जाके कम्पीट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने हैप्टिक को खरीद लिया, क्योंकि यार उनको पता है कि यार इनके पास टेक्नोलॉजी है, टीम है, ये और अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो रिलायंस इन्वेस्ट करेगा और इनके पास प्लेटफॉर्म तो है तो और बहुत तेजी से स्केल अप कर पाएंगे। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, एप्पल का अपना एप्पल म्यूजिक है, गूगल का गूगल प्ले म्यूजिक है और यूट्यूब म्यूजिक है, और अमेजोन का अमेजोन प्राइम म्यूजिक है, तो आप गूगल होम, अमेजोन के एको, इन सारे डिवाइसेस पे वॉइस कमांड से गाने सुन सकते हो। जियो ने सावन को खरीद के जियो सावन बना दिया है और अब उन्होंने हैप्टिक को भी खरीद लिया है, तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके, इनका पर्सनल असिस्टेंट यूज करके आप क्या पता जियो सावन पे गाने सुन सकते हो। ये मैंने एक पॉसिबिलिटी बताई, आगे जाके बहुत बड़ी और बहुत इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज है इन चीजों में। पर एक एडवांटेज जो जियो का है ओवर गूगल असिस्टेंट या अमेजोन अलेक्सा या एप्पल सिरी, ये कि यार हैप्टिक इंडियन ऑडियंस, इंडियन कंपनीज के लिए बना हुआ है, वो यहाँ पे काफी अच्छे से काम करता है, प्लस उन्होंने यूएसए और यूके में तो एक्सपेंड कर ही लिया है। गूगल और अमेजोन काफी ज्यादा अपने रिसोर्सेज, काफी ज्यादा पैसे, टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि यार उनका जो असिस्टेंट है वो इंडियन एक्सेंट्स और इंडियन लैंग्वेजेस को समझ पाए, क्योंकि यार इंडिया में सारे लोग तो इंग्लिश बोलते नहीं है, और जितने भी लोग बोलते हैं वहां पर एक्सेंट भी डिफरेंट होता है देन जो यूएस एक्सेंट है या यूके एक्सेंट है। एक्सेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वॉइस असिस्टेंट सक्सेसफुल होगा, क्योंकि यार अगर आप बोलोगे और वॉइस असिस्टेंट समझ नहीं पाया, दो तीन बार बोला तो आप इरिटेट हो जाओगे, बोलोगे यार उससे अच्छा मैं टाइप ही कर लूँ, एटलीस्ट रिजल्ट तो आ जाएगा। इसलिए कंपनीज काफी सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रही है, और अभी भी वो ज्यादा एक्सेंट्स पकड़ नहीं पाते, और जो इतने सारे इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस है वो सारी चीजें तो वो समझ ही नहीं पाते हैं। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब अगर आपको एक ग्लोबल बहुत बड़ी इंटरनेट कंपनी बनना है, आपको इंडिया में सक्सेसफुल होना बहुत ही जरूरी है, उसमें कोई और रास्ता ही नहीं है। यार अभी इंडिया में अंडर 50% लोगों ने इंटरनेट एक्सेस किया है, पर इसकी क्वांटिटी 560 मिलियन लोगों से भी ज्यादा है, और इंडिया में अभी चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स है, जबकि चाइना में इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया से काफी ज्यादा है। आगे जाके काफी ज्यादा चांसेस है कि इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट पॉपुलेशन होने वाली है, इसलिए तुम इस मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते। और ये वन ऑफ द मेजर रीजन है कि यार जियो इतना ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि यार मार्केट ही इतना बड़ा है और उन्होंने प्राइसेस कम कर दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यार दुनिया भर में इंडिया में मोबाइल डेटा प्राइसेस सबसे कम है, इसलिए इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंटरनेट एक्सेस कर रही है। इंडिया में सक्सेसफुल होने के लिए इन सारी कंपनीज को जो इंडिया के डिफरेंट लैंग्वेजेस है, एक्सेंट्स है, उन सबको समझना पड़ेगा कि वो इतने ज्यादा पॉपुलेशन का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए भी रिलायंस ने कंपनी को अक्वायर किया है। अगर आपने दो तीन हफ्ते पहले मेरी स्टार्टअप न्यूज की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि रिलायंस ने वर्नैकुलर लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्टअप रेवरी में 83% स्टेक ले लिया 190 करोड़ में। तो यार रेवरी इंडिया के जो इतने सारे डिफरेंट एप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, इन सब में काम करता है। जब भी यार कोई कंपनी आती है बाहर की कंपनी का प्लेटफॉर्म तो यार सिर्फ इंग्लिश में होता है, तो उनको कस्टमाइज करके इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना, ये सारा काम रेवरी करती है। तो जो मेजर पेन पॉइंट है एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट का कि यार वो इंडियन लैंग्वेजेस में सही से नहीं चल रहे, उसी पे ही रेवरी का फोकस है, और हैप्टिक तो रिलायंस के पास है ही, तो ये दोनों कंपनीज को इंटीग्रेट करके देसी पर्सनल असिस्टेंट टाइप की चीज़ बना सकते हैं, जिसमें कोई भी बंदा अपना जो नॉर्मल मदर टंग है उसमें बात कर सकता है, चाहे वो उड़िया हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयाली हो, मराठी हो, कोई भी इंडियन लैंग्वेज हो। सोचो कि यार जो भी आपको करना है आप अपनी भाषा में पर्सनल असिस्टेंट को बोल सकते हो और वो कर सकते हो। एक फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है, अब देखना पड़ेगा कि इस चीज़ में कौन सक्सेसफुल होता है, रिलायंस या गूगल या अमेजोन या एप्पल या कोई और नई कंपनी, हमको नहीं पता, पर पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं। रिलायंस अब बहुत डिफरेंट चीज़ों में एक्सपैंड कर रही है, देखते हैं कि यार ये सक्सेसफुल हो पाता है नहीं। यार एक डिसएडवांटेज जो रिलायंस के लिए हो सकता है वो ये कि यार रिलायंस अब बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में एक्सपैंड कर रहा है, ई कॉमर्स, पर्सनल असिस्टेंट, फिनटेक, बहुत सारी चीज़ों में एक्सपैंड कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज में मेजोरिटी स्टेक एक्वायर कर रहा है। देखते हैं कि यार कितनी कंपनीज इन चीज़ों में सक्सेसफुल होती है। आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस गूगल असिस्टेंट, अमेजोन अलेक्सा या एप्पल के सिरी जैसा पर्सनल असिस्टेंट बना सकता है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नीचे कमेंट करना कि यार वीडियो कैसे लगे। कमेंट्स में ये भी बताना कि क्या आप चाहते हैं कि यार मैं इस टाइप की और वीडियोस बनाऊं, मैं अपना ओपिनियन दूं जो भी अभी स्टार्टअप वर्ल्ड में चल रहा है। और हाँ यार मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी मैं थोड़ी डिफरेंट टाइप के वीडियोस पोस्ट करता हूँ, जैसे एप्पल वर्सेस स्पॉटिफाई के कंट्रोवर्सी के बारे में मैंने वीडियो पोस्ट किया था, फिर उबर ने जो करीम को खरीद लिया उसके ऊपर वीडियो पोस्ट किया था। जो भी बड़ी न्यूज़ होती है उस दिन की वो मैं इंस्टाग्राम में उसी दिन पोस्ट कर लेता हूँ, तो वहाँ भी फॉलो कर लेना। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं इस चैनल को एक स्टार्टअप की तरह चला रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो यार हमारा स्टार्टअप ग्रो होगा ना। घंटे को भी याद से दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हम ऐसे ही बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जैसी बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।